हेलो व्यूअर्स, आई एम साजिद महमूद। यू आर वॉचिंग पाकटेल और आप यूट्यूब चैनल पाकटेल देख रहे हैं और मैं हूं आपका होस्ट साजिद महमूद। आज मैं आपके लिए थंबनेल में तो आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी। अक्सर लोगों को देखा मैं परेशान होते हुए कि वो अपना मोबाइल चेंज करने के बाद अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, जो उनको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड करना या दूसरे मोबाइल में करना इतना ही मुश्किल होता है। वो परेशान होते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो सकते। कुछ नंबर मिस हो जाते हैं अक्सर और कुछ नंबर ठीक तरीके से नहीं होते। अक्सर ये प्रॉब्लम्स बनी रहती है, यार मैंने मोबाइल तो चेंज करना लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट नंबरों का बड़ा प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं, वेरी इजी है, वेरी सिंपल है। जो हमको दिखाएंगे वो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पिक करना होगा और ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक मिनट में हो जाएगा। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल आसानी तरीके से और वेरी सिंपल। इससे पहले हमारा ये यूट्यूब चैनल है ना, इसको सब्सक्राइबर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही टेक की न्यूज़, अपडेट, मोबाइल अनबॉक्सिंग, मोबाइल एक्सेसरीज की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, तमाम वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी आपको। और इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बेल आइकन का मकसद ये होता है कि आपको नोटिफिकेशंस जो नई वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन आ गई होगी, आपने सबसे पहले उसमें गूगल अकाउंट ऐड करना है। अगर आपका ऑलरेडी एंड्रॉयड मोबाइल पुराना जो होता है उसमें गूगल अकाउंट लगा ही होता है, तो आपने सबसे पहले ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, इसको आपने करना ये है कि आपने जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है अकाउंट एंड बैकअप सेटिंग में जी, और उसके बाद आपने जाना है अकाउंट में। जब आप अकाउंट में जाएंगे तो आपके अकाउंट लगे आ जाएंगे, फेसबुक का, गूगल का, मैसेंजर का और व्हाट्सएप का। आपने गूगल के अकाउंट पे ओके करना है। ओके, आपका गूगल अकाउंट के जैसे आप ओके करेंगे वहाँ पे आएगा स्किन अकाउंट्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने तमाम चीज़ें ऑन कर लेनी है, जिसमें पीपल इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, कीप नोट्स है, गूगल प्ले म्यूज़िक है, कैलेंडर है, ड्राइवर है, जीमेल है, आपने इन सब को ऑन कर लेना है। ये देखिए आपके सामने ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं, और आपने यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है स्कैन नाउ। ओके, इस वक्त जितनी भी मेरी इसमें इंफॉर्मेशंस पड़ी हैं वो इसने अपने अंदर बैकअप के तौर पे गूगल अकाउंट में अपडेट हो चुकी हैं। ये जो जो लिखी हुई हैं आपके सामने, जिसमें पीपल इंफॉर्मेशंस है, कॉन्टैक्ट है, कीप नोट्स है, प्ले म्यूज़िक है, कैलेंडर है, ड्राइव है और इसके अलावा जीमेल वगैरह, वो हमें फाइनली कह रहा है कि आपकी जो करंट चीज़ें हैं वो सारी इस बैकअप में हो गई हैं। ये आपके पास आज की तारीख नज़र आ रही होगी, जो हमारे पास 6 अप्रैल 2021 10:27, ये देखें हमारे पास 10:28 हो गए हैं, और यही देखें सेम हमारे पास कॉपीज़ हो चुकी हैं। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, अब आपने उस मोबाइल में जाना जिस मोबाइल में आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं अदर एंड्रॉयड मोबाइल। एग्जांपल के तौर पे ये दूसरा मोबाइल है हमारे पास, आपने सिंपल यहाँ पे जाना है उसमें, और वहाँ से आपने यहाँ पे आ जाना है अकाउंट में, दोबारा फिर वही अकाउंट में आ जाना है। ओके, अकाउंट एंड बैकअप में फिर आपने बैकअप एंड रिस्टोर यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट लगाना है और ऑटोमेटिकली रिस्टोर बैकअप पे कर देना है। ओके, रिस्टोर डाटा, ये सैमसंग का है लेकिन हम गूगल का इस्तेमाल करेंगे, तो हम अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट में जाने के बाद गूगल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट मांगेगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, वो अकाउंट आपका एक्वायरमेंट करेगा, ये ठीक है, या फिर आपने ऐड न्यू अकाउंट में चले जाना है। ऐड न्यू अकाउंट में जाने के बाद आपने गूगल अकाउंट में चले जाना है। ओके, जब आप गूगल अकाउंट में जाएंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। ओके, आपने वहाँ पे यूज़र नेम और अपना पासवर्ड दे देना है। देखिए आपने सिर्फ लॉगिन करके छोड़ देना है, जैसे आपका अकाउंट लॉगिन होगा उसके यहाँ पे ये देखिए यूज़र नेम है, पासवर्ड, आपने लॉगिन करने के बाद छोड़ देना है। जैसे लॉगिन करने के बाद छोड़ेंगे आपने वापस आना है, वापस आके आपने फिर दोबारा इसी तरह अकाउंट बन जाएगा, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाना है, और आपने यहाँ पे जाके आपने स्कैन नाउ पे क्लिक कर देना है।
कैसे ये कंप्लीट होगा आपका आपका जो कॉन्टैक्ट, ये जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, पीपल इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट हैं, कीप नोट्स हैं, गूगल प्ले म्यूज़िक है, कैलेंडर है, ड्राइव है, जीमेल, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी आपके न्यू मोबाइल में कॉपीज हो जाएंगी। जी व्यूअर साहब, ने आपको तमाम मालूमात दे दी हैं कि आप किस तरह एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कॉपी कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने नंबर्स एंड कैलेंडर एंड अदर्स इंफॉर्मेशन। हमने आपको तमाम मालूमात दे दिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपका उसका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारे फेसबुक पे देखना है तो प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको इस रिलेटेड मोबाइल अनबॉक्सिंग एंड असेसिंग अनबॉक्सिंग एंड मोबाइल की न्यूज़ अपडेट आपको पर वक्त पे आती रहे। रेड है उसको ग्रे कर लें प्रेस करके नीचे, और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। अपना अपने गिरते लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने होस्ट साजिद महमूद के इजाज़त, अगली वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द, गुड बाय।